नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। झांसी इलाहाबाद शिक्षक उच्च विधान परिषद सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश त्रिपाठी को 1403 मतों को भारी अंतर से हरा दिया है। और जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी को MLC निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र कमिश्नर डॉक्टर आदर्श सिंह ने दिया है। देखिए, इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक क्षेत्र में माननीय निर्वाचन आयोग से प्राप्त अनुमति के क्रम में मतगणना समाप्त होने के बाद डॉक्टर बाबूलाल तिवारी को निर्वाचित घोषित किया गया। झांसी के विश्व हिंदू महासंघ ने रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्या की अर्थी निकालकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए आग के हवाले कर दिया। शुक्रवार को विश्व हिंदी महासंघ के तत्वाधान में प्रदेश अध्यक्ष सिद्धेश्वर पीठाधीश्वर पंडित हरिओम पाठक के नेतृत्व में इलाइट के ही चौराहे पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्या की अर्थी निकालकर जमकर प्रदर्शन किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान आग के हवाले भी किया गया है। और इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। शहर के किनारे ITI के पास मौजूद शारदा नहर में डॉल्फिन मछली के ही दिखने से लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि एरिया थाना क्षेत्र के ITI में मौजूद शारदा नहर में एक डॉल्फिन मछली देखी गई है और इस मछली के देखने के लिए लोगों का यहां पर तांता भी लग गया। बताते चले कि देखने वाले जानकारों ने बताया कि ये मछली का वजन लगभग बताया जा रहा है कि 5 से 10 किलो बीच आका गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारी संख्या में यहां पर लोग मौजूद रहे और मछली को देखने के लिए पहुंचते रहे। कानपुर में बिधुनू थाना क्षेत्र के सुरोली गांव में बुधवार दोपहर 6,000 रुपए के तीन, आपको बता दें, इसको लेकर मामला सामने आया, जहां पर बताया जा रहा है कि सुरोली गांव में ही बुधवार दोपहर 6,000 रुपए के लिए पति की हत्या करने का ये मामला सामने आया है। आरोपी मोनिका ने जब पुलिस के सामने वारदात कबूली तो सभी दंग रह गए। पति काशु कुमार में बताया जा रहा है कि उसका शव वहां पर रखा हुआ था। पति का शव कमरे में ही उसको गाड़ा गया था और भेद खुलने के डर से ही उस पर खाट बिछाई गई थी। और परिजनों की सूचना पर जब पुलिस वहां दरवाज़ा खटखटाने पहुंची तो उसने गेट नहीं खोला और पुलिस पड़ोसी के घर से किसी तरह अंदर पहुंची। महिला सिपाहियों ने जब मोनिका से उमेश के बारे में पूछा तो उसने हत्या की बात कबूल करते हुए खाट की ओर इशारा किया। पुलिस ने जमीन खोदकर शव को बाहर निकाला और आगे की जांच कर रही है। झांसी के मेडिकल कॉलेज के पास बने प्राइवेट हॉस्पिटल चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां आए दिन किसी न किसी हॉस्पिटल पर मरीजों को लेकर लापरवाही करने की बात सामने आती रहती है। वहीं डॉक्टर भी अपनी सफाई देने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां गेट नंबर 2 के सामने करगुआ रोड पर ही एक बच्चों का जाना माना प्राइवेट अस्पताल में मढ़ के निवासी की पोती हॉस्पिटल में ही 23 जनवरी को भर्ती हुई थी। तब से लेकर आज सुबह तक डॉक्टर और स्टाफ परिजनों को आश्वासन देता रहा और बच्ची को वेंटिलेटर पर डालकर परिजनों का बिल बढ़ाते रहे। जब परिजनों ने सुबह स्पष्ट पूछा बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में तो पता चला कि डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया और घर ले जाने के लिए कह दिया। वहीं मृत की सूचना मिलते ही परिजनों के होश उड़ गए और चीख पुकार मचने लगी। परिजनों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर लगातार आश्वासन देते रहे, आज उन्होंने सुबह बच्ची को मृत घोषित कर दिया। साथ ही परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ के ऊपर लापरवाही
लापरवाही का आरोप लगाया है और साथ ही बच्चे को भर्ती करके पैसे बनाने का काम करने की भी बात कही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों को अन्न जानवरों के ही निजात दिलाने के लिए गांव-गांव में गौशाला बनवाई ताकि आवारा गोवंश भूख प्यास से ना तड़पें और किसानों की भी फसल बच सके। लेकिन झांसी में मुख्यमंत्री के आदेशों को खुलेआम ग्राम प्रधान बताया जा रहा है कि उन्होंने ठेंगा दिखाते हुए साफ तौर अपनी बात रखी है, जिसकी वजह से गुस्साए किसानों ने झांसी के मऊरानीपुर के खंड विकास कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और इसके साथ ही अन्य जानवरों के भी निजात दिलवाने की जाने की भी मांग की है। अब खबर रायबरेली से है, जहां शव दफनाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और इस दौरान 5 घंटे तक हंगामा चला। वहीं सीओ सिटी और कोतवाल के समझाने पर लोगों को शांत करवाया गया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मटीहा गांव का है, जहां शव दफनाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। मेरी जमीन पर पटेल में मेरी माँ अंतिम पार हो गई, उसे रखने नहीं दे रहे मिट्टी, अपना पटेल जमीन जबरदस्ती रखने नहीं दे रहे। कौन नहीं रखने दे रहा? ये आसाराम चौधरी। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन, जहाँ से जमीन नपी हमारी पटेल जमीन, हम अपनी जमीन में रख रहे हैं फिर भी नहीं रखने दे रहे जबरदस्ती। के ग्रामीणों ने कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है, जहां पर कालाबाजारी करते हुए राशन पकड़ा गया था, लेकिन अधिकारी पर छुड़ाने का आरोप लग रहा है। दबंग कोटेदार से परेशान होकर ग्रामीण जिला अधिकारी से मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी से करवाई जाए और ग्रामीणों ने कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मुख्यमंत्री जनता दरबार जाकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। गल्ला जो है 28 किलो मिलता है। आपके राशन कार्ड में यूनिट कितने हैं? 6। तो आपको 30 किलो गल्ला मिलना चाहिए, तो आपको कितना राशन मिलता है? 28 किलो। तो आपको कोटे 28 किलो राशन देता है? 28 किलो देता है। आपका कोटेदार कौन है? अनक पाल। 4 किलो गल्ला देता है। कौन देता है? कोटेदार। क्या नाम कोटेदार का? कलावती। आपको कितने यूनिट है? 4। तो गल्ला कितना देता है आपको? 13 किलो। 13 किलो गल्ला क्यों देता है आपको? जाना जी। मामला ये है लगभग 10-12 दिन पहले का, बल्कि 15 दिन हो गए होंगे। एक ट्रैक्टर ट्राली में कोटेदार है कलावती जी, यहाँ होंगे जी, उनके भतीजे एक ट्रैक्टर ट्राली में लगभग 15 कट्टे गेहूँ और चावल के थे, जो बाजार में बेचने जा रहे थे जी। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी, मुझे भी दी, पुलिस ने वो ट्राली रोकी। ट्राली रोकने के बाद उसने कह दिया कि भाई हमारे घर का गल्ला है, पुलिस ने छोड़ दिया। आप कैसे छोड़ दिया ये भाई, पुलिस ही जाने। तो गल्ला भरी ट्राली छोड़ दी। अच्छा, मैं जब चौकी पहुँचा तो मैंने कांस्टेबल अनुज सिरोही हेड कांस्टेबल लोकेंद्र सिंह, तो मैंने कहा कि कहाँ है वो गल्ला ही टाली जो आपने कालाबाजारी वाली पकड़ी थी? बोला अरे वो तो मतलब घर वाला गल्ला था। मैंने कहा आप थोड़ी बताएंगे, तो इसकी तो जांच होती।
अब खबर बिजनौर से है। नहर में तैरता हुआ युवक का शव बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये युवक 20 जनवरी को घर से लापता हुआ था। वहीं ये पूरा मामला थाना धामपुर के सरखथल बाधव के बताया जा रहा है। बता दें आपको, युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है और इसके बाद ही पुलिस मामले की जाँच में भी जुट गई है। वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत कालागढ़ रेंज में वनों के नजदीक आबादी में जाकर वन कर्मियों ने वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह के प्रति सभी को जागरूक किया और वन अग्नि सुरक्षा को लेकर सभी को आग लगने के दौरान आग बुझाने के तरीके बताए गए और इस दौरान ही वन कर्मियों ने सभी ग्रामवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दरअसल कालागढ़ कार्बेट टाइगर रिजर्व रेंज में ही हर साल भांति इस साल भी 1 फरवरी को वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया था और हर साल की तरह ही इस साल भी वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह के प्रति घने जंगलों के पास आबादी में जाकर वन कर्मियों ने आग से बचाव हेतु ग्रामवासियों को टिप्स बताए हैं और इस दौरान कालागढ़ वन क्षेत्र अधिकारी राकेश कुमार भट्ट ने बताया कि जंगल में आग लगने के प्रति आबादी में जाकर लोगों को जागरूक किया गया है ताकि आसपास के लोग सचेत रहें और आग लगने के बाद किस तरह से आग पर काबू पाया जा सके इसको लेकर भी सुरक्षित रहें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।